हेलो सर, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? अगर लोन का पैसा लेने के लिए फोन लगाया है तो हम बहुत जलील करेंगे, फोन काट दो। अरे तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपया लिया तो हम तुमको फोन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो, हम तुमको पैसा देंगे नहीं, तुम बेवजह जोर लगा के अपनी टट्टी और निकाल लोगे। अरे जब तुमने लोन लिया है तो वापस क्यों नहीं दोगे? अरे 6 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। पहली बात तो हमारे पास है नहीं, और अगर होती हम तुमको तब ना ले। अरे तो इसका मतलब यह है कि जो हमने तुमको 6 लाख रुपया दिया वो हराम का था? अरे नहीं, हमने तुम्हारा पैसा हराम खा लिया। अरे कैसा आदमी है? मतलब कोई तो प्लान होगा, सेटलमेंट करोगे तो कितना पैसा दे सकते हो ये बताओ। अरे सेटलमेंट मजबूर आदमी करता है, हमने जिद रखी हुई है कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देना है? मतलब तुम सबके साथ ये ऐसे करते हो का? अरे नहीं, हमने एक बार अपने दोस्त से 50,000 रुपया उधार लिया था, फिर उसने हमसे एक दिन मांगा तो तुमने दे दिया उसको 50,000 रुपया? नहीं यार, हमने 7,000 रुपए दे के डॉक्टर को उसकी याददाश्त ही मिटवा दी। अरे तुमको जिंदगी में माफ नहीं करेगा वो। अरे रहने दो, उससे फिर से दोस्ती करके हमने कल 13,000 और ले लिए। अरे ऐसे लोगों के घरों में शैतान कोने में बैठ के रोता है कि ऊपर वाले तूने हमसे खतरनाक आइटम। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या मदद? अजय हमेशा मान जाओ, आज बात क्लियर होगी चाचा, या तो 4G चलेगा या तो 5G चलेगा। अरे सर प्रॉब्लम क्या आ रही है आप बताओ मुझे। अरे 4G का नेट चलाओगे कि 5G का नेट चलाओगे ये बताओ। सर देखिए दोनों चलेंगे। चाचा फिर छिनाल वाली बात, देखो कह रहा दोनों चलेंगे। ऐसा तुम मुझसे जरा तमीज से तो बात करना एक मिनट। अजय दो कौड़ी का बंदूक कहाँ है हमारी बेगम? अजी सरफ से मांज के रखे हैं, अभी जंग खा गई थी बिल्कुल। अरे छिंदरा बदम। यो रमेशा हमारी चला लियो। अजी चाचा गोली कहाँ है इसमें? गोली तो बरसात में फफूंदी खा गई, हमने धूप में सूखने रखी। तुम्हारे जैसे बदमाश होते ना एक मुकदमे में महीना महीना भर पीला मूतते हैं। तुम कम से कम हमको अपनी परेशानी बताओ, दिक्कत बताओ, तब हम सॉल्व करेंगे ना। अरे बदमाश आदमी है, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करनी पड़ती। सुबह से मैसेज डाले हैं, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, इतना हल्का नेट चल रहा है। अरे इतना स्लो थोड़ी चल रहा है यार इंटरनेट। अगर कबूतर के पैर में लिख के चिट्ठी बांध दे ना तो वो तुम्हारे मैसेज से पहले पहुंच जाएगा। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ, आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अजय इतनी बार तो डॉक्टर ने हमें नहीं बताया जब हमारा अब्बा ICU में खत्म हो गया, जितनी बार तुमने रिचार्ज को बता दिया। अरे 15 दिन हो गए यार तुम्हारे सिम पे रिचार्ज खत्म हो गए। तन्ना के हमसे बात ना करना, तुम्हारे हमारे बीच में कोई सौदा हुआ है कि हम 15 दिन में रिचार्ज कराएंगे? अरे नहीं सर, हमारा काम आपको बताने का, इस चीज के हमको पैसे मिलते हैं सर। अरे तो ऐसे बोलो ना, इज्जत बेच के खा रहे हो तुम। तुम जरा जबान संभाल के तो बात करना मुझसे, अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो हम दूसरी ले लेंगे, 80 रुपए में मिल रही है बाहर। अरे तुम दूसरी सिम क्यों ले रहे हो, इसी पर रिचार्ज कराओ ना। अजय अफीम की डेली सूंगली तूने, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हमने दूसरी सिम ले ली तो गोली मरवा देगा तू हमको। अरे सर आप मेरी बात सुनिए। क्यों, ब्याह करके लाए हम तुमको? अरे चुम्मी नहीं मांग रहे हो, मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल सिम बंद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस सिम पे सारी चाइनीज ऐपों से लोन ले रखा है हमने।